मेरे समय जो थे श्रीनाथ, जहीर खान, आशीष नेहरा, आज वो हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार। ये शब्द और किसी के नहीं, सहवाग के हैं। और भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को लगता है जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ने भारत को विश्व पटल पर विजयी रथ पर सवार करने में टेस्ट में नंबर वन टीम बनाने में अहम भूमिका निभाई है। भारत ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 318 रनों से हरा दिया है। इस मैच की पहली पारी में ईशांत शर्मा ने 5 विकेट अपने नाम किए तो दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने 7 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा टीम के दूसरे पारी में अजिंक्य रहाणे ने 102 रन बनाए तो हनुमा विहारी ने शानदार 93 रनों की पारी खेली और कप्तान कोहली 51 रनों का शानदार योगदान देकर गए। सहवाग ने कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे पहले अच्छे गेंदबाज नहीं थे। जवागल, श्रीनाथ, जहीर खान, आशीष नेहरा जैसे गेंदबाज मेरे समय में थे। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव जैसे गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करते देख खुशी होती है। ये सब लोग जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं वो शानदार है। इनके रहने से हमारे पास एक बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण है। एक ओर जहां भारत ने विंडीज को बड़ी हार सौंपी तो दूसरी तरफ लीड्स में एसिज के तीसरे टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स ने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत छीन ली और इंग्लैंड के हाथों में डाल दी। अपने समय में तूफानी बल्लेबाज में शुमार सहवाग के दिल में टेस्ट क्रिकेट के लिए आज भी खास जगह है। उनका मानना है कि स्टोक्स जैसे प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट चैंपियनशिप का सही प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा, टेस्ट चैंपियनशिप सही समय पर आई है और मुझे लगता है कि जब इस तरह के शानदार मैच होते हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप का होना अच्छा है। यह टेस्ट खेलने वालों के लिए बेहतरीन चीज है और इससे प्रारूप और ज़्यादा रोचक तथा प्रतिस्पर्धी बन गया है। सहवाग ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच विवादों की बातों पर मीडिया की उपज बताया है। पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा, मुझे लगता है कि यह सब मीडिया ने बनाया है। जो दोनों क्रीज पर होते हैं तो साथ में बल्लेबाजी करते हैं और जब दोनों स्लिप में खड़े होते हैं तो एक साथ बात करते हैं, इसलिए मुझे कोई विवाद नहीं लगता। आप लोगों की यह उपज है। अब देखना होगा कि सहवाग ने तो उपज बता दिया है, लेकिन क्या सच में इनके बीच कोई लड़ाई नहीं है? क्या रोहित शर्मा और कोहली के बीच लड़ाई है भी या नहीं? ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पर। हर्ष की रिपोर्ट।